ये सभी गांव वाले चूहों से बहुत परेशान है, क्योंकि ताऊ की टोपी में चूहा, पिंकी की कैंडी में चूहा, ब्रेड में चूहे, खाने में चूहे, चूहों ने इतने खड्डे कर रखे हैं कि पता नहीं कौन कहां जमीन में धस जाए। गांव वालों ने सभी हथकंडे अपना कर देख लिए, जाल बिछाना, दवाई देना, पर चूहों पर असर नहीं हुआ तो सभी गांव वाले बिल्ले को घेर लेते हैं और कहते हैं, भूतनी के तू ही अपनी पेट पूजा कर ले। तो बिल्ला कहता है, पागल है क्या, इन्होंने बाबे दे ढाबे को फूंक दिया, मैं एक बिल्ला और ये इतने सारे। तो गांव वाले कहते हैं, अपने रिश्तेदारों को यहां बुला ले। तो बिल्ला कहता है, ये काम एक ही कमीना कर सकता है, कालू पुंगी वाला। तभी पुंगी वाला वहां आ जाता है और अपनी पुंगी बजाने लगता है, जिससे सभी चूहे सम्मोहित हो जाते हैं और बाहर निकलकर पुंगी वाले के पीछे पीछे चलने लगते हैं। इससे गांव वाले राहत की सांस लेते हैं और बिल्ले को पैसे देने लगते हैं। पुंगी मैन गांव में घूम घूम कर सभी चूहों को बाहर निकाल लेता है और अपने पीछे पीछे ले जाकर फिर एक नदी में कूदा देता है। सभी गांव वाले तालियां बजाने लगते हैं और इतने में पुंगी मैन गायब हो जाता है, लेकिन गांव से थोड़ी दूर पर चूहे